दोस्तों यदि आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका ने भारत के सेमीफाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। भारत के सेमीफाइनल का डगर अब अफ्रीका जीत के साथ ही मुश्किलों में पड़ गया है। रोहित एंड कंपनी अगली चुनौती बांग्लादेश से, इस टीम से भी भारत को सावधान रहना होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को किसी भी हाल में बांग्लादेश को हराना ही हराना है। ऐसे में मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है और इस मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे कप्तान रोहित, क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, कब खेला जाएगा ये मुकाबला, कितने बजे से शुरू होगा, वो सब आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में खतरनाक बल्लेबाज कौन है, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओवर में मुकाबला हार गया टीम इंडिया और आपको बता दें कि बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अकेले ही अफ्रीका की टीम से पंगा लिया और 40 गेंदों में 68 रन बनाए। और आपको बता दें कि उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही थी जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने अफ्रीका के सामने 134 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। और इस छोटे से लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के दांत खट्टे कर दिए। 134 रन बनाने के लिए अफ्रीका को आखिरी ओवर तक मुकाबला खेलना पड़ा और जैसे तैसे करके उन्होंने टीम इंडिया को इस मुकाबले में शिकस्त दे दी। भले ही भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में शानदार रहा हो, लेकिन इस हार से भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। इस हार के बाद कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे में इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करें इस मुकाबले की तो ये हाई वोल्टेज मुकाबला 2 नवंबर के दिन एडिलेड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो हमेशा तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच होती है, लेकिन एडिलेड के मैदान पर कुछ हद तक स्पिनरों को भी मदद मिलने वाली है। और इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से की जाएगी, जिसका मजा आप हॉटस्टार के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की टीम भले ही उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं। शाकिब हसन, सौम्य सरकार, मुस्तफिजुर रहमान, लिंटन दास, मेहंदी हसन, मिराज जैसे कुछ खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कभी भी मुकाबला पलट सकते हैं। वहीं अगर बात करें टीम इंडिया की तो अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया की पोल खुल गई है और भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। किंग कोहली, सूर्य कुमार यादव और भारतीय बल्लेबाजी क्रम के स्तंभ हैं जो, और वहीं पर बांग्लादेश के खिलाफ भी टीम इंडिया के मुख्य हथियार रहेंगे। वहीं खराब फॉर्म में चल रहे केएल राहुल एक बार फिर से रोहित के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि निचले क्रम में दिनेश कार्तिक चोटिल हो गए, जिसके चलते अब उनकी जगह काफी समय से बाहर बैठने वाले ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। अगर भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित के साथ राहुल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहीं मध्यम क्रम में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या के साथ ऋषभ पंत नजर आ सकते हैं। वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी में रविचंद्रन अश्विन की जगह यजुवेंद्र चहल एक बार फिर से टीम में दिखाई दे सकते हैं। अक्षर पटेल की जगह शामिल किए गए दीपक हुड्डा टीम में बरकरार रह सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी के कंधों पर होने वाली है। दोस्तों बांग्लादेश का मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम होने वाला है, ऐसे में टीम इंडिया हर हाल में इसे जीतना चाहेगी। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।